अस्सलाम वालेकुम अलिजबा के रेसिपी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हमने बनाया है चिकन चीज बॉल। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी, माशाल्लाह जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। तो आइए हम देख लेते हैं हमें किस तरीके से बनाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने रख दिया है पैन, पैन हमारा गर्म हो गया। इसमें हमने छोड़ दिया है बटर, बटर 100 ग्राम के करीब बटर होगा। इसमें हम डाल देंगे कुछ कटी वेजिटेबल, ये शिमला मिर्चा, गाजर और प्याज, इन सब चीजों को डाल के और इसमें बटर में हम इसमें फ्राई कर लेंगे इसको। आप अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल में, घी में, किसी चीज में और फ्राई कर सकते हैं। हमने डाल दिया एक चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन, इसको भी इसी के साथ हम इसको सॉटी कर लेंगे। और उसके बाद हल्का फुल्का 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चलाते हुए सॉटी करेंगे। और जब ये हमारा सॉटी हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे और भी कुछ, यानी मैदा। मैदा हमें डालना है, बिना मैदे के जो है चिकन बॉल से चीज अच्छा नहीं बनता है। इसका यही असली तरीका है बनाने का। आप अपने अलग अलग तरीके से सब लोग बनाते हैं, कोई किस तरीके से, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आप हमेशा जो है उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और कभी भी स्वाद भूल नहीं पाएंगे। तो ये मैदा हमने डाल दिया है 3 चम्मच, इसको भी इसी के साथ हम भून लेंगे। बिल्कुल मैदा हमारा कच्चापन खत्म हो जाए, मैदा बिल्कुल भून जाए। देखिए भून गया। अब इसमें हम डाल देंगे दूध, ये हमारा 250 ग्राम दूध है। धीरे धीरे दूध डालते हुए हम इसको चलाते जाएंगे कि मैदे का जो है गांठ ना बने। बिल्कुल पूरा दूध हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको बिल्कुल गैस के फ्लेम को हम कर देंगे लो, ये देखिए। और मैदा हमारा खूब अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का जीरा पाउडर भुने हुए, 1 टीस्पून डाल देंगे हम काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून डाल देंगे रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून डाल देंगे टमेटो केचम और ये डाल देंगे दोबला हुआ आलू है जो मैंने ग्रेट करके रख लिया था इसको खूब अच्छे से। अब आप चाहे तो हाथों से भी मसल के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ग्रेट कर दो तो बिल्कुल एक साइज का सब हो जाता है। इसी तरीके से हमने जो है 200 ग्राम चिकन लिया था, उसको नमक डाल के बॉयल कर लिया। बॉयल करके इसका जो है रेसा हमने अलग कर लिया है। आप हाथों से भी रेसा अलग कर सकते हैं और ग्राइंडर मशीन से भी आप रेसा अलग कर सकते हैं। आपके पास ग्राइंडर है तो उससे भी आप ग्रेट कर सकते हैं। तो हमने ये ग्रेट किया है और हाथों से भी मसाला बहुत अच्छे से सारे रेसे अलग हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को हम मिला के, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसको उलट पुलट के सब मिक्स कर लेंगे। एक मिक्सिंग दे देंगे कि सारी चीजें, मसाले और वेजिटेबल में चिकन आलू सब मिक्स हो जाए एक साथ। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल हमें जो है हाई नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना। धीरे धीरे वो पकता जाएगा और ये आपका जो है मिक्सर पकता जाएगा उसी के साथ। और ये देखिए, तो इसी तरीके से 3 से 4 मिनट लगते हैं हमें इन मिक्सर को पकाने में। तो चलिए इसी तरीके से हमने पका लिया है। अदरक लहसुन हमने पेस्ट नहीं डाला है, लहसुन का सिर्फ हमने जो है दरदरा सा ग्रेटर करके डाल दिया है, यानी चॉप करके 1 चम्मच भर के। अगर आपको पसंद हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये देखिए हमारा जो है मिक्सचर खूब अच्छे से बनके तैयार हो गया। मसाला बिल्कुल पेन को छोड़ दिया है। अभी थोड़ी देर अगर और हम इसको ऐसे पकाएंगे तो यह हार्ड हो जाएगा और नीचे से बिल्कुल गोल्डन कलर का होने लगेगा। तो गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद और इसको एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए इसी तरीके से। और इससे ज्यादा हार्ड हमें नहीं बनाना है, न इससे ज्यादा जो है गीला रखना है। बिल्कुल ये हमारा बहुत ही बेहतरीन बन गया है। इसी तरीके से हमें जो है इसकी कंटेंसी रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। तो चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए, फिर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया है चीज क्यूब्स। आप चाहे तो चीज जो है स्लाइस भी ले सकते हैं और मोचराइजला चीज भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने 1 चीज क्यूब्स में हमने 6 पीस किया है। आप चाहे तो 6 से जो है 8 या 10 पीस भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपने हिसाब से, जिस तरीके से आपको बॉल बनाना है। तो सारे चीज के क्यूब्स हमने काट के रख लिए हैं। अब इसको हम कर देंगे साइड में। और हमने ले लिया है ब्रेड, 3 ब्रेड है और ये पिज्जा कटर से हमने काट लिया है। ये देखिए,
इसी तरीके से आप चाकू से भी काट सकती हैं और कैंची से भी काट सकती हैं, या आप ऐसे ही सीधा भी बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको काटने से क्या होता है कि थोड़ी सी इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, ये ब्राउन कलर का साइड निकल जाता है। तो इसी तरीके से चारों तरफ से हमने जो है कट कर लिया है, इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। ये देखिए इसी तरीके से, तो ये सारा ब्रेड हमने काट लिया। आप चाकू से काटिए, कैंची से काटिए, लेकिन बहुत अच्छे से जो है काट लीजिए। तो ये सब हम हटा देंगे। हमें जो है ये सारे जितने कटिंग है ब्रेड के, ये सब हमें ब्रेड क्रम्स में भी काम आ जाएंगे, इसलिए कि ब्रेड का क्रम्स हम रेडीमेड नहीं लाते हैं। मैं ब्रेड घर पे मंगा के उसका क्रम्स बना लेती हूँ, वो मुझे ज्यादा आसान पड़ता है और बेहतर रहता है, वो ताजा रहता है। और ये हमने एक स्लाइस ले लिया है ब्रेड का और उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क लिया है, और उसके बाद हम इसको जो है चिकन का कबाब बना के इसके ऊपर रख देंगे, और बीच में हम इसमें रख देंगे चीज। ये देखिए, आप हमारे हाथों पे जो है बिल्कुल ध्यान दीजिए किस तरीके से मैं बनाती हूँ। अगर ब्रेड पे हल्का सा पानी का छिड़काव कीजिए, ज्यादा अगर करेंगे तो पूरा आपका ब्रेड गीला हो जाएगा, फट जाएगा, कभी नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बनाते जाएंगे। थोड़ा सा मतलब टफ है, पर बनता बहुत अच्छा है माशाल्लाह, खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल दीवाने हो चुके हैं इसके खा खा के, और बस हमेशा यही फरमाइश करेंगे, मम्मा बस एक ही चीज बनाओ, एक ही चीज डेली अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चे हैं, उनको क्या पता, उनको तो जो पसंद आएगा वही मांगते जाएंगे। तो चलिए माशाल्लाह, इसी तरीके से हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं। ये देखिए 7 बॉल्स बना लिए हैं, जितना मुझे जरूरत है उस हिसाब से उतना बॉल्स मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए सारा बहुत अच्छे से बना है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, और अंदर से बिल्कुल आपको जो है जूसी मिलेगा और ऊपर से क्रिस्पी। तो चलिए हम फिर एक अंडा को तोड़ लेते हैं और इसमें जो है डाल देंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहें तो सादा इसे भी बना सकते हैं। तो ये हम दिखा रहे हैं कि सादा हम बना रहे हैं, सादे अंडे को हम फेंट लेते हैं और इसमें जो है हम कुछ नहीं डालेंगे, ना काली मिर्च पाउडर ना नमक। काली मिर्च पाउडर नमक आप डाल लीजिएगा, हम इसलिए नहीं डालते कि मेरे बच्चे जो है कहते हैं तीखा कड़वा लगता है, तो इसलिए नहीं डालते। इस तरीके से मिक्सचर तैयार करते हैं कि उसमें नमक मिर्चा बिल्कुल परफेक्ट रहता है, मुझे ऊपर से लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए हमने जो है एक बॉल्स तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप सारे बॉल्स बना लीजिए, और दूसरा भी मैं बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर अंडे के घोल को अगर थोड़ा सा आपको पतला करना है तो 2 चम्मच इसमें जो है दूध भी डाल दीजिए, मिल्क, और फेंट दीजिए, बहुत अच्छे से पतला हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सारे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, तो चलिए ये हमारा बॉल्स तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में छोड़ सकते हैं, या फिर किसी एयर कंटेनर में रख के इसको फ्रिज कर सकते हैं कि आप हफ्तों 10 दिन तक इसको बना के खा सकते हैं फ्राई करके। तो हमने रख दिया था कढ़ाई, और ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और उसके साथ हम इसको फटाफट से फ्राई कर लेंगे। इसमें जो है टाइम नहीं लगता। एक साइड जब इसको आप फ्राई करें तो ये ध्यान दें कि कम से कम 2 मिनट तक इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे गैस करके छोड़ दें, उसके बाद फिर साइड को डन करके बिल्कुल फ्लेम को लो कर दें, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से आपका जो है चीज मैट नहीं होगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा वो। तो इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, उसके बाद जो है सारी चीजें अंदर से मैट हो जाएंगी और ऊपर से बॉल्स हमारे सारे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा चिकन चीज बॉल आप लोगों को पसंद आएगा। तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ना कोई चीज बताते हो कमेंट में। आप लोगों की प्यार और दुआओं से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आगे भी आप लोगों की प्यार और दुआओं की मुझे हिम्मत मिलती है, और आप लोगों के प्यार से मुझे ताकत मिलती है, और आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है। तो वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।